वेलकम बैक टू माई चैनल अनलॉक साइकोलॉजी विद श्वेता। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे लेकर जाऊं, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि 80% लोग जो हैं मेरे चैनल को देखते तो हैं या मेरी वीडियोस को देखते तो जरूर हैं, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते गाइज। सो प्लीज जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी अपडेट दूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, क्योंकि कई बार आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है या बहुत देर से पहुंचती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, विच इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि इंटर्नशिप क्या है, क्यों करनी चाहिए और इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहला सवाल जो हमें पता चलता है या जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमें इंटर्नशिप क्यों करनी है, व्हाई डू वी वांट टू गो फॉर इंटर्नशिप इन साइकोलॉजी। तो इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं दैट यू शुड बी गोइंग फॉर इट। नंबर वन, कि आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में क्लैरिटी मिलती है गाइस। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट हम ये हमेशा से पढ़ते आए हैं कि कोई भी करियर को चूज करने से पहले हमारा इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। सो हेंस फोर्थ वन ऑफ द वे टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एरिया इज टू डू इंटर्नशिप इन दैट फील्ड। ठीक है, इससे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, आपको समझ आता है कि आप कितना आपका एप्टीट्यूड है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, बिकॉज इट्स नॉट ईजी गाइज। बींग इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी कैन हैव लॉट ऑफ यू नो इम्पैक्ट ऑन यू एज वेल। सो दिस इज वॉट इट इज। थर्डली, यू नो इफ यू डिसाइडेड फाइनली कि आपको साइकोलॉजी की फील्ड में ही जाना है, तो इन अ वे ये आपको पीआर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। पीआर इज योर पब्लिक रिलेशंस, बिकॉज साइकोलॉजी के अंदर आपको साइकोलॉजी क्या फॉर दैट मैटर किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो यू शुड नो मोर एंड मोर पीपल इन द फील्ड, राइट? एंड दिस इज वॉट इट डज, क्योंकि आप मोर एंड मोर लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ रिलेशंस बिल्डअप करेंगे, विच विल हेल्प यू एजुकेशनली, विच विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ एनहांसिंग योर इंफॉर्मेशन एंड लेटर ऑन फॉर वर्क अपॉर्चुनिटीज एज वेल गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि साइकोलॉजी में ऐसे कौन से एरियाज हैं जिसके अंदर हम इंटर्नशिप कर सकते हैं गाइस। तो आपको अपने दिमाग में शॉर्टलिस्ट करना है कि आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है। वंस यू हैव दैट इन योर माइंड, इसके अंदर बहुत सारे एरियाज होते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप काउंसलिंग साइकोलॉजी में इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कर सकते हैं, आप चाइल्ड साइकोलॉजी में कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। Now the next question comes up कि ये internship के लिए ये internship कौन कराएगा and who to approach, right? Because there are a lot of times जब हमें नहीं पता होता, तो majority of the internship guys post graduate या graduate level पर आकर होती है। 11th 12th में graduation internship के scopes बहुत कम होते हैं और बहुत कम ही लोग हैं जो इतने छोटे level पे या at such a beginning internship करा रहे हैं, ठीक है? But who you could approach? You can approach hospitals, you can approach schools, you can approach private clinics. ये सभी जगहों पर आपको internship करने का मौका मिलेगा and they will also provide you experience certificate जो कि आपको help करेगा later on to show it on your CV that you worked under these many organizations. Please make sure that you collect your certificate or experience letter from these respective places. So लास्ट क्वेश्चन जो हमें स्ट्राइक करता है वो ये है कि जब हम साइकोलॉजी में इंटर्नशिप करते हैं तो क्या हमें पैसे देने पड़ते हैं या हमें पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल दिमाग में लोगों को चलते ही रहते हैं, बिकॉज यू नो यू डोंट नो अबाउट इट येट कि क्या एग्जैक्ट सिस्टम है क्या नहीं है। सो गाइस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में साइकोलॉजी के अंदर अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं देन यू हैव टू पे द फीस फॉर इट, बिकॉज वो आपको सिखा रहे हैं इसीलिए वो आपसे इसके चार्जेस लेते हैं। दो देर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे आपको फ्री में भी होती है इंटर्नशिप इन साइकोलॉजी, बट वो जो केसेस हैं या वो जो प्लेसेस हैं फॉर दैट मैटर वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए इफ यू वुड हैव टू पे फॉर सर्टेन इंटर्नशिप्स आई वुड से डू दैट, बिकॉज इससे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। एसोसिएट योर सेल्फ विद बिग हॉस्पिटल्स, यू नो ग्रेट प्लेसेस, इससे आपको बहुत ही आई मीन दिस इज जस्ट गोना एनहांस एंड वाइडन योर पर्सपेक्टिव एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स साइकोलॉजी। सो दिस इज इट फॉर द डे गाइज, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मैं हर थर्सडे 5:30 बजे लाइव आती हूँ। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम which is @unlockpsychology. Do subscribe to my channel, like my video and share it if you really liked it. Thank you so much. Take care of it. Bye-bye.
Thank you.